सो फाइनली जेई ने भी अपनी एग्जाम डेट्स अनाउंस कर दी एंड सीबीएसई ने भी अपनी एग्जाम डेट्स अनाउंस कर दी है। तो उसके बाद नीट 2021 के स्टूडेंट्स के काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नीट 2021 की एग्जाम डेट्स क्या रह सकती है या फिर क्या रहने वाली है, इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से अनाउंस किए जाएंगे, क्या नीट 2021 को साल में दो बार अनाउंस किया जाएगा, अगर दो बार कंडक्ट करवाया जाता है तो ये ऑफलाइन करवाया जाएगा या फिर ऑनलाइन करवाया जाएगा, ऐसे भी बहुत सारे डाउट्स हैं जो कि आप सभी स्टूडेंट्स के हैं। उन्हीं डाउट्स पर आज की ये वीडियो रहने वाली है एंड कंप्लीट डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आप सबको देने वाला हूँ। देन वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट है, देन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले एक फिलो नाम की एप्लीकेशन है जिसके बारे में मैं आप सबको बताना चाहूँगा। ये एप्लीकेशन कैसे काम करती है और कैसे आपके लिए बेनिफिट रखेगी, तो अगर आप नीट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मान लीजिए कि आप फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर में कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा, तो आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करते ही आपको कैमरा का एक ऑप्शन मिलेगा, उस कैमरे के ऑप्शन पर जाके जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा उस क्वेश्चन की फोटो लीजिए और इस एप्लीकेशन में अपलोड कर दीजिए। विद इन 60 सेकेंड, 60 सेकेंड के अंदर इस एप्लीकेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको वीडियो कॉल के जरिए इस क्वेश्चन का जो प्रॉपर सोल्यूशन है, डिटेल्ड सोल्यूशन है, वो प्रोवाइड करवाएंगे। है ना इंटरेस्टिंग, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज इस एप्लीकेशन का आप सबसे नहीं लिया जाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेड इन इंडिया भी है, तो लिंक मैंने इस एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, चेक जरूर कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी रखेगी आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए। एंड गाइज, इसमें जो एजुकेटर्स आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाले हैं वो IITians एंड डॉक्टर्स हैं, सो चेक जरूर कीजिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बात करते हैं नीट 2021 के एग्जामिनेशंस के बारे में। तो आपके जो CBSE के एग्जाम्स हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, 4 मई से स्टार्ट होंगे और 10 जून तक चलेंगे। तो ये तो ख्याल आप मन से निकाल दीजिए कि 10 जून से पहले आपका नीट 2021 का एग्जामिनेशन होने वाला है। तो कब होगा, तो नीट 2021 का जो एग्जामिनेशंस है वो हम लास्ट वीक ऑफ जून और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक मान सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म कब तक अनाउंस होंगे, तो देख लीजिए 2020 के एप्लीकेशन फॉर्म नीट के एग्जामिनेशन से कितने महीने पहले स्टार्ट हुए थे, उतने महीने पहले ही आपके 21 के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। अब नीट 2021 क्या साल में दो बार अनाउंस किया जाएगा, यार जिस हिसाब से इसको पोस्टपोन किया है ना, जून लास्ट या फिर जुलाई फर्स्ट वीक, तो मुझे नहीं लगता कि ये साल में दो बार कंडक्ट करवाया जाएगा। फिर भी अगर दो बार कंडक्ट करवाया जाता है तो इसकी इन्फॉर्मेशन अभी कुछ एक दिनों में, 15-20 दिनों में आपको दे दी जाएगी, अन्यथा आपके अगर एक बार ही कंडक्ट होता है तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन इसके इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में ही रिलीज की जाएगी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद क्या इसको ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा या फिर ऑफलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा, गाइज अगर ये साल में एक बार ही कंडक्ट करवाया जाता है तो मैं 101% श्योर हूँ कि ऑफलाइन ही कंडक्ट होगा, पेन एंड पेपर मोड। अगर दो बार कंडक्ट करवाया जाता है वो अलग बात रहती है कि इसको फिर ऑफलाइन करेंगे या फिर ऑनलाइन करेंगे, बट अगर पिछली बार की तरह एक बार ही कंडक्ट होता है तो इसे डेफिनेटली ऑफलाइन ही कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। अब ये डाउट क्लियर हो गए, नीट का एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है, नीट के एप्लीकेशन फॉर्म कब तक अनाउंस होने वाले हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसको दो बार कंडक्ट करवाया जाएगा या फिर एक बार कंडक्ट करवाया जाएगा। तो सिलेबस का क्या, जेई में तो आपके ऑप्शनल दे दिए ना, क्या इतने क्वेश्चंस हैं इसमें आप स्किप कर सकते हैं, तो नीट के सिलेबस का क्या, देखिए एक बार हो चाहे दो बार हो, अगर चेंज करना होगा तो एक बार में भी कर देंगे और दो बार में भी कर देंगे, तो चेंजेस का अभी तक सिलेबस के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये कन्फर्म है कि आपका सिलेबस 100% आने वाला है। हाँ, क्वेश्चंस वगैरह में आपको ऑप्शन दे सकते हैं बट सिलेबस जो है वो आपका 100% ही पूछा जाएगा। जेई में भी आपका सिलेबस 100% आ रहा है तो नीट में भी आपका सिलेबस जो है वो 100% ही पूछा जाएगा। तो ये आपके कुछ डाउट्स थे जो मैंने आप सबकी वीडियो इस वीडियो में क्लियर की। उसके अलावा बुक्स का गिव अवे चल रहा है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का मिल जाएगा या फिर चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। अगर बुक की नीड है आपको तो उस गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा, कैसे पार्टिसिपेट करना है उसकी जानकारी उस वीडियो में अवेलेबल है। बाकी ये वीडियो आप सभी को कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे भी इस चैनल पर आप सभी को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।